Okay, students, see, recording is already completed. Now we'll. Our job is final cutting is complete. Okay. And we stop the machine. Okay, student. Okay, student. Now see, I'll fusing the job piece. Open the job. I am this. Opening the job. Or disturbing the job. Now see, I'll check. Is it 90 degree or not? See, students, this is exact 90 degree, students. Okay. And this side is also 90 degree. Okay, students, see. Our job is completed now. Thank you, students. See, students, this is your job already completed. Now see, your job has been completed as per your given dimensions. Okay. See, this was the job, and in initial figure, and this is final figure. This is the top view of the work. And sorry, this is the front view of the job piece, and this is the top view of the job piece. Okay, students, this is top view like this. Okay, students. This is your front view, and this is the top view like this. Okay, so your job already completed, and now you have to write these questions on your lab report. Briefly describe specification and classification of the shaper machines. Question number 2, what are the various types of operations performed by the shaper machines? You have to write the description of the operations. Okay, students. Okay, student. Students, कोई क्वेश्चन है शेपर से? स्टूडेंट्स, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम लोग मिलिंग मशीन शुरू कर रहा हूँ. ओके सर. जाओ संजय. हेलो.
अभिषेक हेलो यू कैन सी द पिक्चर स्टूडेंट यस सर हेलो यस सर हेलो यस सर यू कैन सी द पिक्चर यस सर मिलिंग मशीन स्टूडेंट दिख रहा है सर केंद्र सरकार केंद्र सरकार यस सर केंद्र सरकार यस हेलो सर सर कौशिक साधु यस कौशिक सर साधु यस सर हेलो यस सर हाँ यू कैन सी द सर पिछला दिन मिलिंग एक्सप्लेन किए थे आप। मिलिंगा हाँ सर थोड़ा एक्सप्लेन किए थे वो कटिंग टूल एंड ऑल। ओ कटिंग टूल का किए थे ना तो ठीक है नेक्स्ट तुम्हारा और भी दिखा देते दोनों का शेपर हो गया ना कंप्लीट शेपर समझ में आया तो यस सर देखो दोनों में जो है दोनों मशीन में तुम्हारा मेटल है दोनों मोमेंट ठीक है कंडीशन में उसमें जो टूल्स यूज किए थे वो टूल और ये टूल दोनों में क्या डिफरेंस है मालूम है यस सर बता सकते हो डिफरेंस सर मिलिंग सेपर और लेथ मशीन में सिंगल पॉइंट कटिंग टूल यूज होता है और मिलिंग मशीन में सर मल्टी पॉइंट कटिंग टूल यूज मल्टी होता है पॉइंट या मल्टी एजेस जो होता है ठीक है मल्टी एजेस कटर होता है मल्टी पॉइंट कटिंग टूल कटर ठीक है यस सर हाँ ठीक है तो ये डिफरेंस है इसका मोशन कैसा होता है मिलिंग शेपर का विच टाइप ऑफ मोशन कटिंग मोशन जो होता है उसका और मिलिंग का वो दोनों में क्या डिफरेंस है दोनों का देखो हेलो बोल सकते हो नो सर उसका जो लिनियर मोशन था देखे थे ना ऐसे बैकवर्ड और फॉरवर्ड मूवमेंट करता लिनियर मोशन हेलो यस सर हाँ देखे थे और इसका जो मोशन है ये मशीन का जो मोशन है ये जो है पेरिफेरियल मोशन है यानी रोटेशनल सर्कुलर मोशन है ठीक है दिस इज ए सर्कुलर मोशन देखो कटर जो है कटर में जो इसका नाम क्या है बता सकते हो ये नेम ऑफ दिस पार्ट फिक्स ऑन द मिलिंग कटर जिस पे मिलिंग कटर को होल्ड कर रहे हैं आर्वर ठीक है ये आर्वर हो गया और ये क्या बताए थे हम पिछले बार ये क्या है जिसमें जॉब को होल्ड करके रखे जॉब को होल्ड किए है ना ये वाइस है प्लेन वाइस ठीक है ये वाइस है फिक्स ऑन टी स्लॉट टेबल टेबल के ऊपर में फिक्स किया हुआ देखो बताए थे ये टेबल के ऊपर में ठीक है और ये पार्ट क्या है बताओ तो इसका नेम ऑफ दिस पूरा ये विच टाइप ऑफ मिलिंग मशीन है ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल या कॉलम टाइप या पिलर टाइप किस तरह का है बताओ हेलो ये देखो कॉलम टाइप है कॉलम जो है ये दिस वन कॉलम देखो यहाँ पर ये देखो नीचे का क्या बोलते हैं बेस दिस इज ए बेस देखो पार्ट ऑफ द मशीन का जो ये बेस बेस के ऊपर में देखो एक लीड स्क्रू ये लगा हुआ है नीचे में जो एलिवेशन स्क्रू बोलते हैं नी जिसको है ये नेम नेम पार्ट नी ठीक है एलिवेशन स्क्रू ऊपर पर ये टेबल पूरा फिक्स किया हुआ है सपोर्ट विद कॉलम कॉलम के साथ में सपोर्ट किया हुआ गाइड वे जो है ठीक है गाइड वे के साथ अटैच किया हुआ ये पार्ट्स ऑफ द मिलिंग मशीन है तो मशीन क्या है मशीन व्हाट इज मिलिंग मशीन मिलिंग मशीन जैसे सेपर मशीन पूछे थे उस तरह से मिलिंग मशीन के बारे में बताओ व्हाट इज मिलिंग मशीन
बोल सकते हो? मिलिंग मशीन इज ए मशीन टूल, क्या है? मशीन टूल है दैट रिमूव्स मेटल एज द वर्क इज फीड अगेंस्ट ए रोटरी मल्टीपल पॉइंट कटिंग टूल. ठीक है, कटिंग कटर जो है इसमें टू टाइप ऑफ मिलिंग प्रोसेस यूज करेंगे. देखो इसमें मिलिंग जो प्रोसेस होगा टू टाइप ऑफ मिलिंग एंड डाउन मिलिंग राइट ऑन जॉब शीट. जॉब शीट के नीचे में तुम्हारा लिखा हुआ दो क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मिलिंग ऑपरेशन. ठीक है, अप मिलिंग एंड डाउन मिलिंग. देखो जॉब शीट जो जो तुम्हारा परफॉर्म किया वो 4B. अच्छा टाइटल बता सकते हो क्या हम लोग जॉब बनाएंगे इस पे? 4B में क्या लिखा हुआ टाइटल? हेलो सर, रेक्टेंगुलर स्लॉट कटिंग ऑफ एमएस ब्लॉक. एमएस ब्लॉक जो है, एमएस ब्लॉक पे हम लोग रेक्टेंगुलर स्लॉट कटिंग करेंगे. तो देखो ये एमएस ब्लॉक होल्ड किया हुआ है मशीन पे और स्लॉट कटिंग ऑलमोस्ट डन किया हुआ है कुछ, तो उसी पे हम लोग स्लॉट कटिंग करेंगे विथ हेल्प ऑफ मिलिंग मशीन एंड कटर. कटर जो लगा हुआ है इस तरह से, तो डिफरेंट टाइप ऑफ कटर यूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू वर्क. वर्क के हिसाब से उसके थिकनेस लेंथ ब्रेथ के हिसाब से जो तुम कटर को चेंज कर सकते हो. ये जो आर्बर में जो लगा हुआ है इस, देखो ये जो कटर है स्पर गियर के लिए है, SPUR. ठीक है, मिलिंग कटर है. अनदर कटर इज होल्ड अनदर मशीन. देखो यहाँ पर हेलिकल, हेलिकल कटर. और थर्ड जो है बीविल टाइप का है. देखो बीविल भी है जो गियर कटिंग में यूज कर रहे हैं. अनदर देखो ये हो गया बीविल कटर. ठीक है, अकॉर्डिंग टू वर्क, वर्क के हिसाब से हम कटर के चेंज कर सकते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ कटर यूज. ठीक है, तो हम बता रहे थे इसमें कि टू टाइप ऑफ मिलिंग प्रोसेस यूज कर सकते हैं इसमें हम. तो देखो ये जो कटर है इसका मोशन कैसा है? पेरिफेरियल मोशन है, रोटेशनल मोशन यानी सर्कुलर मोशन. तो ये जो कटिंग है ये कटर का जो रोटेशन होगा, ये देखो ये किस तरह से मूव कर रहा है. हेलो, सर्कुलरली. सर्कुलर डायरेक्शन कौन सा है, विच टाइप ऑफ डायरेक्शन? देखो मूव कर रहा हूं बताओ. एंटी क्लॉकवाइज. एंटी क्लॉकवाइज. और जॉब का देखो, जॉब ये टेबल पर फिक्स किया हुआ है, दो उसमें दो व्हील लगा हुआ है बोथ साइड, 1 and 2. देखो टू व्हील, इसको हम मूवमेंट करते हैं तो देखो कटर का मूवमेंट ऐसा है. तो ये देखो जैसे देखो तुम ये किधर से मूव हो रहा है. हेलो, देखो कटर के अगेंस्ट में हो रहा है कि सेम हो रहा है, सेम डायरेक्शन. कटर विल बी रोटेट एंटी क्लॉकवाइज, तो जॉब विल बी रोटेट क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज. देख के बताओ तुम. ये डायरेक्शन पे डिपेंड करता है डिफिनेशन ऑफ द अप मिलिंग एंड डाउन मिलिंग. ठीक है, तो ये देखो ये जॉब जो तुम्हारा ये कटर जो मूव कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज और जॉब का जो रोटेशन होगा ये तुम्हारा क्लॉकवाइज होगा. ठीक है, क्लॉकवाइज होगा तो ये तुम्हारा अप मिलिंग प्रोसेस हो गया. अगर ये बोथ आर सेम डायरेक्शन, कटर और जॉब दोनों का डायरेक्शन अगर सेम हो तो वो गया डाउन मिलिंग प्रोसेस. ठीक है, तो ये देखो तुम्हारा टू होल्ड द जॉब इनसाइड द वाइस जॉब पीस बिफोर जॉब कटिंग, कटिंग स्टार्ट करने से पहले इसमें होल्ड करते हैं. देखो होल्ड किए हैं और इसी टेबल का मूवमेंट चेंज होता है. देखो यहाँ पर ये जॉब का पोजीशन अगर हम लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट शिफ्ट करना चाहते हैं तो यूज फॉर दिस हैंडल. देखो यहाँ इस हैंडल के यूज करते हैं. ये गाइडवे से इसका मूवमेंट होता है हॉरिजॉन्टली.
देखो टेबल का मूवमेंट, ये हो गया, ये एंटी क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज से बैक हो रहा है, देखो ये चेंज हो रहा है, रिप्लेस द पोजीशन ऑफ द जॉब पीस, जॉब का पोजीशन चेंज होगा। और ये जो हैंडल है नीचे डाउन में गिवन द फीट, फीट देने के लिए यूज करते हैं विथ हेल्प ऑफ नी, नी के थ्रू जो एलिवेशन स्क्रू लगा हुआ नीचे में, देखो इसमें नंबर ऑफ ग्रेजुएशन दिया हुआ है 1, 2, 3, 4 करके, देखो यहाँ पर ये जो है, देखो इससे टेबल का हाइट अप एंड डाउन किया जा सकता है, टेबल को वर्टिकली अप एंड डाउन मूवमेंट दिया जा सकता है इससे, इस हैंडल, दिस हैंडल, इवन द फीट, जॉब स्टार्ट करने से पहले इसके डायमेंशन देकर फीट डेप देकर कटिंग की स्टार्ट करते हैं। दिस इज द टू लीवर, देखो यहाँ पर दो लीवर है, 1 और 2, ये इसका मैकेनिज्म है, इससे ये स्पीड वेरी करता है, इनसाइड द बॉक्स डिफरेंट टाइप ऑफ गियर, ये हो गया स्पिन स्पीड, हम एक बार मूवमेंट करके दिखा रहे हैं इसके जॉब को कि कैसे मूवमेंट हो रहा है, कैसे कटिंग हो रहा है। तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम जॉब सीट लेकर अकॉर्डिंग टू स्लॉट, स्लॉट कटिंग करने के लिए मार्क कर लेते हैं उससे एमएस ब्लॉक पर, मार्क करने के बाद ये देखो तुम्हारा जॉब सीट है, ये जॉब संजय बोलो, ये तो इतना चल गया तो कहने की कोशिश बंद करो, जॉब सीट ले नहीं, स्टूडेंट्स इज दिस मल्टी सिंगल पॉइंट कटिंग टूल और मल्टी पॉइंट कटिंग टूल? सर मल्टी। हाउ सर? इट हैज अ डिफरेंट पॉइंट्स फॉर कटिंग, इन सिंगल पॉइंट कटिंग टूल देयर इज ओनली वन पॉइंट। वेरी गुड, कैन यू टेल मी द स्पेसिफिक नेम ऑफ दिस मशीन टूल, दिस टूल, व्हाट इज द स्पेसिफिक नेम ऑफ दिस टूल? Do you know, students? Sir, milling cutter? Yes. This is milling cutter. Milling cutter has multi-point cutting tool. हेलो हेलो, देखो तुम लोगों को मैं दिखा रहा हूँ रेक्टेंगुलर स्लॉट कटिंग ऑन एमएस ब्लॉक, जिसमें एमएस ब्लॉक, ये एमएस ब्लॉक पे तुमको मार्क करना है, प्रीवियस क्लास में तुम परफॉर्म द जॉब, तुम परफॉर्म किए थे शेपर मशीन, ले उसमें क्या था, स्क्वायर स्क्वायर ब्लॉक प्रिपेयर किए थे, बोथ साइड 90 डिग्री बनाए थे तुमने,
और इसी ब्लॉक पे सेम टू सेम एक स्लॉट कटिंग करना है सीधा जॉब शीट। जॉब शीट देखो, जॉब शीट के ऊपर में जो डायमेंशन दिया हुआ है ये देखो, जॉब शीट तुम्हारा है ये ब्लॉक, दिस वन ब्लॉक एमएस ब्लॉक। इस एमएस ब्लॉक में दिस हाइट यहाँ से यहाँ तक के जो हाइट है ये 50, दिस ब्रेथ 50। इसमें जो स्लॉट कटिंग किया हुआ है इसका थिकनेस है ये जो है 6 मिलीमीटर। ये रेक्टेंगुलर स्लॉट का जो ब्रेथ है 6 मिलीमीटर और थिकनेस 25 मिलीमीटर है। तो पहले इसको हम बोथ साइड ये चॉकिंग करेंगे टेम्पोररी मार्क इसमें जैसे जस्ट लाइक इस तरह से। इसमें जो इंस्ट्रूमेंट यूज होगा, नेम ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, मिलिंग मशीन जो सेटअप जो तुमको दिखाए, स्टील रोलर कॉमन इंस्ट्रूमेंट है जो प्रीवियस जॉब में सब में यूज किए हो तुम, ट्राई स्क्वायर, जेनी कैलिपर ये सब यूज किया हुआ तुम्हारा, स्क्राइबर एंड पंच एंड हैमर ये सब कॉमन इंस्ट्रूमेंट है, ऑल आर कॉमन इंस्ट्रूमेंट यूज बिफोर प्रीवियस जॉब। एंड सरफेस गेज जो तुम ये भी यूज किए थे सेपर मशीन में टू चेक द सेंटरिंग करने के लिए, लेवल चेक करने के लिए टू चेक द पैरेलल लाइन विथ हेल्प ऑफ सरफेस गेज से चेक किए थे तुम इसको। तो उसी तरह से इसमें जस्ट हम इसमें मार्क कर लेते हैं स्लॉट कटिंग करने के लिए मिडिल पॉइंट ऑफ द जॉब पीस। ये तो टोटल लेंथ यहाँ से यहाँ तक ये लेंथ के बीच में एक मिडिल लाइन फाइंड आउट कर लेते हैं 28 25 का एक लाइन ड्रॉ किया। वन साइड 6 मिलीमीटर यहाँ पर है, वन साइड 3 एंड अनदर साइड 3 मार्क ऑन द प्लेट, प्लेट के ब्लॉक के ऊपर में मार्क कर लिया ऐसे करके। ये मार्क करने के बाद इसका डेप देखो, दिया हुआ डेप 4 मिलीमीटर। इस लाइन को हम एक्सटेंशन करके नीचे डाउन कर लेते हैं, एक्सटेंशन किया फिर सेम इस लाइन को भी मैंने एक्सटेंशन कर दिया और विथ हेल्प ऑफ जेनी कैलिपर के थ्रू इसमें मार्क कर दिया ऐसे पहला लाइन। ये जो हो गया तुम्हारा, ये जो हाइट हो गया यहाँ से यहाँ तक का 4 मिलीमीटर और ब्रेथ हो गया 6 हो गया, ये ब्रेथ 6 और डेप्थ हो गया तुम्हारा 4 और ब्रेथ हो गया 6 मिलीमीटर। ये दो स्लॉट बोथ साइड मार्क कर लेंगे यूज ऑफ जेनी कैलिपर। अभी जेनी कैलिपर नहीं है लेकिन जेनी कैलिपर से हम इसको तुमको यूज कर ले मार्क कर लिया। मार्क करने के बाद जस्ट लाइक फिटिंग में जैसे तुमने पंचिंग किया, मार्क परमानेंट मार्क किया विथ हेल्प ऑफ सेंटर पंच एंड हैमर यूज करके ऑन द लाइन डॉटेड लाइन कर देंगे। यहाँ पर डॉटेड लाइन परमानेंट मार्क ऑन द बोथ साइड, दो जो लाइन है दोनों साइड बोथ साइड मार्क कर दिया। मार्क करने के बाद हेलो स्टूडेंट, देखो अभी ये जॉब पीस ऑलरेडी होल्ड किया हुआ था और ये इसको देखो कटिंग किया गया। ये स्लॉट रेक्टेंगुलर स्लॉट, ओके, इसका डेप्थ देखो 4 mm एंड इसका विड्थ कितना है? 6 मिलीमीटर का रेक्टेंगुलर स्लॉट, डेप्थ 4 mm, ओके। जस्ट लाइक ऐसा ही ये देखो अभी जो तो इसको जो हम लोग होल्ड कर रहे हैं और ये जो कट होगा जस्ट लाइक वैसा ही होगा। देखो इसका डेप्थ 4 mm, इसका भी डेप्थ होगा 4 mm, ओके, और इसका जो विड्थ होगा ये 6 mm, दिस डिस्टेंस टू दिस डिस्टेंस, ओके, हेयर टू हेयर 6 mm, ओके। तो इसका भी देखो होल्डिंग प्रोसेस देखो, होल्ड द जॉब,
पूरा दिखाएगा, ओवर नहीं है कोई। ये दिखाएंगे टाइट जॉब पेस, जॉब पेस पॉप वाइस वाइस के थ्रू इसको हम टाइट कर लेते हैं अंदर। दिस वन मिलिंग कटर मेड ऑफ हाई स्पीड स्टील, ओके, मल्टीपॉइंट कटिंग टूल, देयर इज मल्टीपॉइंट कटिंग टूल, टू टाइप्स ऑफ कटिंग टूल, सिंगल पॉइंट एंड मल्टीपॉइंट, देयर इज मल्टीपॉइंट कटिंग टूल एंड दिस वन आर्बर, ओके, आर्बर यहां से दिखाएंगे, सेट कर दें, जस्ट टच द सरफेस ऑन मिलिंग कटर, टू टच द जॉब पीस ऑन मिलिंग कटर। ऑन स्विच ऑन पैनल देखिए भाई सब ठीक है, देयर इज स्पीड चेंजिंग गियर, स्पीड चेंजिंग लीवर, here is motor starter, green switch is on and red switch is off, okay, okay, start the machine, okay, the milling cutter, cutter will be rotated anti-clockwise, jaw will be rotated clockwise, both are opposite direction movement, this is up milling process. Within the cutting shear, use coolant and water to save the tool life. Finish and come to the starting point just like previous. And then send to send process use to start the cutting. And before cutting start, change the one complete rotation equal to 1.1 millimeter
This is a this cut is rectangular slot with help of milling machine and milling cutter. Name of this cutter as for gear cutting cutter multiple point cutting tool. This is a rectangular slot width 6 and depth 4 millimeter. This job is completed. Okay student, your job is done, milling job is done. Okay, hello, hello student. Any questions, student? Hello? Yes, sir. Any question hai tum log ka? Nahin, sir. ठीक है, तो तुम लोग को ये समझ में आ गया ना, मिलिंग मशीन का जो ऑपरेशन हम लोग दिखाए, तुम लोग को जॉब दिखाए, कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? नहीं सर. ओके. Different type of operation performed in the milling machine: T slot, QA cut, flat surface, groove cutting, bevel cutting. Different type of cutting operation performed with help of the milling machine. तुम इस milling machine से बहुत सा cutting perform कर सकते हो. तो types of milling machine जैसे plane milling, slab milling, यूनिवर्सल मिलिंग, वर्टिकल मिलिंग, ओमनीवर्सल मिलिंग मशीन, बेड टाइप, मैन्युफैक्चरिंग मिलिंग मशीन, डिफरेंट टाइप ऑफ मिलिंग मशीन होता है ये. तुम लोग ये पढ़ सकते हो, यू कैन रीड द मिलिंग चैप्टर. नेम ऑफ द पार्ट्स मिलिंग मशीन, क्लासिफिकेशन ऑफ मिलिंग मशीन, टाइप्स ऑफ मिलिंग मशीन, डिफरेंट टाइप ऑफ कटर यूज मिलिंग मशीन, ये सब तुम रिमेम्बर रखोगे प्रिपेयर फॉर वाइवा के लिए. ठीक है, ये सब तुम बुक से रीडिंग करके स्टडी करके तुम प्रिपरेशन रेडी कर लेना. ठीक है, ओके ओके सर. तुम लोग जैसे डिफरेंस बिटवीन सेपर एंड मिलिंग मशीन, डिफरेंस बिटवीन लेथ एंड मिलिंग मशीन, इस तरह से तुम दोनों का डिफरेंस तुम रिमेम्बर रखना दोनों में क्या डिफरेंस है, क्योंकि ऑल आर मेटल ड्रिवन प्रोसेस, सब में मेटल ही कटिंग किए है, किसी में सिंगल पॉइंट टूल यूज किया, किसी में मल्टीपल पॉइंट, किसी में तुम जो
टूल किसी वर्टिकल पोजीशन से, कोई हॉरिजॉन्टल पोजीशन से, कोई रोटेटरी मोशन, कोई लैनियर मोशन, ये सब में जो है अलग अलग मोशन से मेटल से को रिमूव किया मैंने, ठीक है। लेकिन ऑल आर जो है तुम्हारा मेटल रिमूव प्रोसेस में ही यूज किए हैं, इसलिए तुम केवल सबका पार्ट्स नेम, क्लासिफिकेशन, स्पेसिफिकेशन और टूल्स नेम, मेड ऑफ आयरन, ये सब तुम रिमेम्बर रखना, ठीक है। और किसी तरह कोई प्रॉब्लम है, एनी डाउट, किसी तरह कुछ क्वेश्चन है तो बोल सकते हो, बोलो। सर लेथ मशीन का मोशन तो लीनियर मोशन होगा ना? नहीं नहीं, लेथ का लीनियर कैसे हो जाएगा, वो रोटेशनली है ना, देखो यही पास ही में हूँ मैं, दिखा रहा हूँ, देखो ये जो देखे तुम रोटेशनली है ना, एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, तो लेथ मशीन, दिस इज लेथ मशीन, देखो यहाँ पर दिखा रहा हूँ, ये लेथ मशीन देख लिए, देखो यहाँ पर, देखो लेथ मशीन, देखो इसका मोशन, ठीक है, ये कैसा घूम रहा है, लिनियर तो नहीं है? नहीं सर, रोटेटरी, रोटेटर, हाँ रोटेटरी, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज दोनों साइड में मूव कर सकता है, ठीक है, ये देखो, ओके सर, ठीक है ना सर। उसमें भी, मिलिंग में भी, और इसमें, इसमें क्या है, इसमें होल्डिंग डिवाइस है, होल्डिंग डिवाइस में जॉब को होल्ड किया, जो जॉब जो है रोटेटरी है, जॉब होल्ड किए तो रोटेट, जॉब मूव कर रहा है, लेकिन वहां जॉब मूव नहीं कर रहा था, जॉब मूव कर रहा था वहां वर्जिनली, हम मैनुअली मूव कर रहे थे उसको। और ये देखो यहाँ जो कटिंग टूल है, यहाँ फिक्स किया हुआ है, इसको भी हम कैरिज से मूव करते हैं, तो ये देखो ये सिंगल पॉइंट कटिंग टूल, इसमें भी कटिंग एजेस है, लेकिन वन है सिंगल पॉइंट कटिंग, ये भी मेड ऑफ आयरन जो HS का है, हाई रेजोल्यूशन स्टील का है, जनरली यूज HS ही होता है, ठीक है। और देखो तुम जो बोले थे शेपर मशीन, तो शेपर मशीन को भी दिखा देता हूँ, देखो लीनियर मोशन है, उसमें भी सिंगल पॉइंट कटिंग है, लेकिन उसमें भी शेप है, ये देखो, ठीक ना? यस सर, ये पूरे रैम, ठीक है, हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है, ऐसे बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड मूवमेंट करेगा पूरी रैम, देखो दो गाइड वे है यहाँ पर, गाइड, यहाँ स्लाइडिंग पार्ट है, ये स्लाइड पार्ट है, वो वन साइड अनदर साइड, बोथ साइड स्लाइडिंग पार्ट है, इस स्लाइडिंग पार्ट से तुम्हारा बैकवर्ड, देखो यहाँ बोथ साइड, ये पूरे रैम जो है पूरा, ये पोजिशन, पूरी पोजिशन बैक जाता है, बैक से फिर फ्रंट की ओर आता है, बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड मूवमेंट, यानी लिनियर मोशन, ठीक है, जिसको रेसिप्रोकेटिंग मोशन भी बोलते हैं, ऊपर से नीचे की ओर है, डाउन की ओर, देखो यहाँ पर, और रैम मूवमेंट करता है बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड, और वहां पर जो हो किया हुआ था लेथ मशीन में वो हॉरिजॉन्टल, ठीक है, हॉरिजॉन्टल पोजीशन में तुम्हारा टूल को होल्ड किया हुआ है, देख लो ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे होल्ड किया हुआ है, इसे मुझे खुद से मैनुअली ऑटोमेटिक ऐसे हम इसको मूव करके टूल को मूव दे सकते हैं, मूवमेंट दे सकते हैं, ठीक है। तो ये तुम्हारा हो गया लेथ, सेपर, मिलिंग, ये तीन मशीन, तीनों का अलग अलग क्लासिफिकेशन है, और तीनों का मूवमेंट जो अलग है, टूल का कटिंग डायरेक्शन भी अलग है, और मटेरियल जो है सेम है, किसी में सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है, किसी में मल्टीपल पॉइंट टूल है। तो तुमसे क्वेश्चन पूछेगा विच टाइप ऑफ टूल यूज इन शेपर मशीन या अदरवाइज लेथ मशीन या अदरवाइज मिलिंग मशीन, ठीक है, ये तीनों मशीन में किस तरह का हम टूल्स यूज करते हैं मेटल कटिंग करने के लिए, तो तुम बता सकते हो, ठीक है। हेलो, यस सर, यस सर, बोल सकते हो, तो दोनों का डिफरेंस तुमको पता चल जाएगा, तीनों मशीन का कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो, कॉम्प्रोमाइज करके तुम देख सकते हो उसको, कंपेयर करके देख सकते हो, है ना, व्हाट टाइप ऑफ वर्क परफॉर्म, ठीक है, किस तरह से हम वर्क क्या क्या बनाए हैं, उसमें क्या जॉब बनाए, लेथ में मिलिंग में कौन सा जॉब परफॉर्म किया उसका टाइटल क्या है, मिलिंग सेपर में कौन सा जॉब परफॉर्म किया उसका टाइटल क्या है,
लेथ में क्या जॉब किया, उसका टाइटल क्या है और दोनों तीनों में क्या डिफरेंस है। ये कॉमन रखो कि सभी मेटल रिमूव ही होता है, ठीक है। मेटल रिमूव होगा तो कोई एक नया शेप बनेगा, शेप एंड साइज बन क्रिएट होगा, उससे वो कोई जॉब का नाम दिया जाएगा। सिलेंड्रिकल जॉब, स्क्वायर जॉब, रेक्टेंगल जॉब, स्टेप स्टेप मेंडल और कॉलर मेंडल जॉब, डिफरेंट टाइप ऑफ जॉब को परफॉर्मेशन नेम दिया जा सकता है अकॉर्डिंग टू योर साइज और जो शेप एंड साइज जो होता है उसको करने के लिए हमको मेटल रिमूव करना ही होगा विथ हेल्प ऑफ एनी टाइप से मिलिंग सेपर ड्रिलिंग बोरिंग या लेथ, ठीक है। ओके सर, हमारा वाइवा कब होगा सर? हाँ सर, वाइवा हमारा कब होगा? वाइवा का सर ने डेट बताए थे ना? नहीं सर, हम लोग देखते हैं डिस्कस कर रहे हो। और तुमसे जो सर ने बात किया फाइल सबमिट करने के लिए वन बाय वन करके, यस सर, ठीक है, सबसे पूछे तो उस समय कुछ बात हुआ भाई भाई के बारे में? नहीं सर, उस समय सर भाई भाई ने कुछ नहीं बोला। नहीं बोले थे? नहीं सर। अच्छा, और सर जॉब शीट में तो मिलिंग नहीं लिखना है? अगर तुम्हारे पास टाइम है तो उसको भी लिख रखना बेटर है, ठीक है। ओके सर, तो पहले शेपर सबमिट कर देंगे उसके बाद फिर मिलिंग करेंगे ना। क्वेश्चन दो ठो है, केवल जॉब का प्रोसीड्यूर लिखना है, वो कुछ बोलोगे तो हम लोग हेल्प कर देंगे, ठीक है। तो जॉब का प्रोसीड्यूर लिखना है और दो क्वेश्चन का आंसर देना है। एक में जो आंसर है तुम्हारा मिलिंग मशीन का है, हाउ मेनी टाइप मिलिंग मशीन पे ऑपरेशन एंड टाइप मिलिंग मशीन, ठीक है, टाइप होता है कितने तरह का मिलिंग ऑपरेशन होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन दिया, दो क्वेश्चन का आंसर तो तुमको देना है, टाइम तो ज्यादा नहीं लगेगा, ठीक है। हेलो, यस सर। ओके सर, यस सर। जॉब शीट देखो ना, जॉब शीट भी देखो कि तुम्हारा क्या कितना क्वेश्चन है, जॉब शीट भी देखो कितने क्वेश्चन नीचे, हर जॉब शीट में जितना क्वेश्चन है उसी का तो आंसर देना है, उससे ज्यादा तो नहीं देना तुम्हें। जी सर। तो टाइम नहीं लगेगा, सब में दो क्वेश्चन, सेपर में भी दो था, मिलिंग में दो था। इसमें दिया हुआ हाउ मिलिंग मशीन कैन बी एसिफाइड, ठीक है, ड्रॉ यूनिवर्सल मिलिंग मशीन एंड सो इट पार्ट्स, खाली पार्ट्स का नाम दिखा देना है, और व्हाट आर डिफरेंट टाइप ऑफ मिलिंग प्रोसेस, जो मिलिंग प्रोसेस है वो दिखाना है, अप मिलिंग एंड डाउन मिलिंग, ठीक है। कन्वेंशनल मिलिंग भी बोलते हैं, क्लाइंबिंग मिलिंग भी बोलते हैं इसको अदर नेम, ठीक है। तो तुम ये प्रोसेस को तुम मिलिंग चैप्टर तुम देख के तुम उसमें से खोजोगे तो सारे आंसर तुमको मिल जाएगा, अगर बुक तुम्हारे पास है तो। क्या? ओके सर। हेलो, यस सर, ठीक है। तुम लोग अटेंडेंस लिंक दिया हुआ है चैट बॉक्स में, ठीक है, अटेंडेंस दे और लीव कर सकते हो, यू कैन लीव। अगर कोई क्वेश्चन है तो उससे बिफोर पहले पूछ लो, उसके बाद फिर लीव करो, ठीक है। ओके सर, थैंक यू सर। प्रॉब्लम है तो पूछ लो, उसके बाद लीव कर जाओ। हेलो स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स, यस सर। अरे इसमें एक मोनिका चक्रवर्ती कौन है, तुम लोग क्लास में कोई नहीं है ना? नहीं सर। हेलो, हाँ सर, मोनिका चक्रवर्ती है कोई? नहीं सर, क्लास में नहीं है। वो देखो फॉल्स फॉल्स मतलब स्टूडेंट लोग दे देता है उन लोगों को लिंक, तीन नाम भेजिए एकदम उल्टा सीधा जो है रोल नंबर करके और डेट भी अलग अलग करके। एक बार रोल नंबर 7 भेजिए, एक बार रोल नंबर 56, एक बार रोल नंबर 9। माजी सर, हाँ बताओ बताओ। हाँ सर, हाँ बताओ। एक लड़की है शायद मोनिका चक्रवर्ती, उसका रोल नंबर 3 बार आया है और तीनों गलत, डेट 3 बार आया है, तीनों उल्टा सीधा। एक बार 2 तारीख का आया है मार्च का, एक बार 6 तारीख का आया है, मतलब अभी जो महीना भी नहीं आया वो 4 अप्रैल का।
मैं एक बार बात करता हूँ। मनिका, मनिका इज प्रेजेंट? नहीं है। नहीं सर, तो ये स्टूडेंट ही नहीं है, हमारे क्लास के नहीं है। रजिस्टर देख लिए सर, पूरा इसका नाम ही नहीं है। मैं बताता हूँ क्या हुआ है। फैज सर, हाँ सर, ये लोग ने क्या किया पता है? ये लोग ने क्या किया, कॉपीड किया, किसी का चीज का कॉपीड किया। कॉपीड करने के लिए ये लोग हम लोगों को भेज दिया। उसके बाद सुनिए, मैं इसको बताता हूँ कैसे हुआ। किसी किसी स्टूडेंट्स का फॉरवर्ड लिखा हुआ है। अच्छा, मतलब समझ रहे, वो किसी से मिला है उसको, उसके बाद उन्होंने उसको कुछ मॉडिफाई नहीं किया, नहीं करके डायरेक्टली वो हम उस व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दिया, तो वो फॉरवर्ड हो गया। वही किया है, फॉरवर्ड किया है। काफी जन का ये पे फॉरवर्डेड मैसेज, ये है रिपोर्ट है, काफी जन का फॉरवर्डेड रिपोर्ट है। तो हम उसको तो शॉर्ट आउट कर लिए, कौन कौन किसके किसका फॉरवर्डेड रिपोर्ट है। ठीक है, अभी अभी ये तो वो लोग एग्जाम टाइम है इसलिए नहीं बता रहा हूं मैं, लेकिन ये बात सही नहीं है जो ये लोग को किसी से मिला है और उसको फॉरवर्ड कर दिया। लिंक फॉरवर्ड करता है ये लोग, ये गलत करता है। काफी मैसेज है, काफी जगह पे है जिसमें फॉरवर्ड किया हुआ है। हाँ, इसमें बोलना तीन नाम है, तीनों में अलग डेट है और अलग रोल नंबर है। आई तो हम दूसरे जगह से नंबर भेजा है 56 एक जगह 9, तो ये हुआ है। ठीक है, अभी रहने दीजिए, वो लोग अटेंडेंस हो गया, ऑल ऑफ यू सेंड योर अटेंडेंस, हो गया ना? ठीक है, थैंक यू वेरी मच, नाउ वी विल लीव हियर। ओके ओके सर, ओके थैंक यू सर।